बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, इस वीडियो को देखने के लिए आपने वक्त निकाला, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। आपसे गुजारिश भी है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सलमान मिर्जा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्योंकि एक चीज जो मुझे सबसे समझ नहीं आ रही थी उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था, मैं चाह रहा हूं आपसे वो सारी चीजें डिस्कस करूं, तो इसको आखिर तक आपने जरूर देखना है। आज सुबह से ही यूनिवर्सिटीज या फहाशी का अड्डा, ये ट्रेंड टॉप ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। अच्छा, मुझे नहीं समझ आया ऐसी कोई चीज़ ना न्यूज़ में आई ना सोशल मीडिया में आई कि कोई ऐसी वीडियो वायरल हो गई, कोई ऐसी नामुनासिब गैर मुनासिब चीज़ सामने आ गई जिस पर तनकीद की जा रही है यूनिवर्सिटी की जानिब से। अब कोई नया सोचा छोड़ दिया गया है, क्योंकि अक्सर मेजॉरिटी में देखने में आता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऐसी चीज़ें अरेंज करती हैं जहाँ पर कुछ गलत काम हो जाता है, और जब गलत काम हो जाता है तो फिर सोशल मीडिया पर उस पर ठीक ठाक तनकीद की जा रही होती है। मैंने ट्वीट भी किया था लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी देर तक समझ नहीं आया। फिर जब मैंने उसकी वीडियोस देखी, पिक्चर्स देखी, मैं आगे आपको ये पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, यूनिवर्सिटीज़ में जो डांस ख़वातीन कर रही हैं या लड़कियाँ कर रही हैं, तालिबे इल्म कर रहे हैं, लड़कियाँ कर रही हैं, वो उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और वो डांस भी कुछ मुनासिब तो है नहीं, डांस किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं होगा अगर आप वो पब्लिकली करें। हाँ, अगर आप अपनी प्राइवेट गैदरिंग में करते हैं, अपने लोगों में करते हैं, चलें उसको काफ़ी हद तक मुनासिब कह सकते हैं, लेकिन इस तरह पब्लिकली करना तो ये गैर मुनासिब समझा जाता है। तो इस तरह की पिक्चर सामने आ रही हैं, उसमें लड़कियाँ डांस कर रही हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं लड़कियों के कपड़ों पर कोई कॉमेंट नहीं करता, हर एक आज़ाद है जिस तरह के कपड़े चाहे पहनना चाहे वो पहने, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी माशरे की अक्कासी करो, जींस टी शर्ट पहनने में मुझे कोई ममानियत महसूस नहीं होती। मैं समझता हूँ जींस अगर लड़कों के लिए भी फैशन है तो लड़कियों के लिए भी फैशन होना चाहिए, लड़कियों के लिए वो बदकिरदारी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। वो जींस जींस का मसला नहीं बनाना चाहिए, लड़का लड़की दोनों पहन सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप यूनिवर्सिटी में इस तरह से डांस नहीं कर सकते, ये मेरा अपना मानना है। अच्छा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कराती हैं, एनुअल फंक्शंस हो गए या फिर फेयरवेल पार्टी हो गई, हम लोगों ने भी एनुअल फंक्शंस किए, फेयरवेल पार्टी भी की, लेकिन इस तरह की गैर मुनासिब चीज़ें या डांस इस तरह से ओपनली करना, ये ऐसा नहीं था, ये एकदम से चेंज हुआ है और एकदम से ये चेंज काफ़ी ज़्यादा लाया जा रहा है। पाकिस्तान को एक ऐसी जगह लेकर जाया जा रहा है जो कि हमारा माशरा नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे कल्चर और हमारे माशरे के हिसाब से आप जो चीज़ करना चाहें एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर उसके दायरे से आप बाहर निकलेंगे तो आप उस दायरे में चले जाएंगे जो कि हमारा माशरा ही नहीं है, हमारा कल्चर ही नहीं है। लेट सपोज भारत की, यूके की, यूएसए की, जर्मनी की, फ्रांस की, वहां पर जो यूनिवर्सिटीज में होता है वो उनके लिए मुनासिब हो सकता है क्योंकि वो उनका कल्चर है, वो उनका माशरा है, वो हमारा माशरा नहीं हो सकता, वो हमारा कल्चर नहीं हो सकता। एक चीज अलग है कि आप उसको इम्पोज करना चाहें वहां से लेकर आए और यहां पर राइज करना चाहें तो ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ये हमारा अपना माशरा नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं फिर ये बात कहता हूं, हर वीडियो में या हर वीडियो में नहीं, अक्सर वीडियोज में मैं औरत मार्च की बात जरूर करता हूं। औरत मार्च वाले जिस तरह से एहतजाज कर रहे होते हैं या औरत मार्च के नाम पे बेहूदगी बेशर्मी फैला रहे होते हैं, बेगैरती फैला रहे होते हैं, वो हमारा माशरा नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो खवातीन की कोई खिदमत भी नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपनी दुकान चमका रहे होते हैं, एक दिन वो दुकान चमकाते हैं, एक दिन उनका मार्च होता है, उसके बाद ये जा वो जा, उनके बैनर्स की वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, उनको मीडिया फेम मिलता है, औरत के हुकूक गए भाड़ में, वो सिर्फ अपना दुकान चमकाते हैं, अपना मंजन बेचते हैं, उसके बाद वो फरार हो जाते हैं। अब जनाब यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ चंद लोग हैं जो कि इस तरह का कल्चर लाना चाह रहे हैं, इस तरह का कल्चर इम्पोज करना चाह रहे हैं। अब ये पिक्चर्स आप देख रहे होंगे जनाबे वाला, ये इस तरह का डांस, इस चले मैं कपड़ों की बात नहीं करता, मुनासिब कपड़े, इस तरह का डांस आपको लगता है पब्लिकली एक्सेप्टेबल है? अगर हम यूरोप चले जाते हैं ना तो वहाँ पर भी, चले मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर बोसा देना, किसिंग करना नामुनासिब समझा जाता है, वहाँ पे भी ये नामुनासिब ओपनली समझा जाता है कि आप ओपनली पब्लिकली ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। वो उस चीज़ में ढले हुए हैं लेकिन उसके बावजूद वो ओपनली हरगिज़ नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। हमारे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको ओपनली करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होती है, डांस करने की, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डांस करने की इजाज़त। मुझे ये समझ नहीं आता कि अब ये इस तरह की एक्टिविटीज़ बनाई जा रही हैं या मैनेजमेंट इसमें मुलव्विस है, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी के साथ फहाशी का अड्डा लफ्ज़ लगाना गैर मुनासिब है, ये बहुत सख्त जुमला है और लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। आप अगर
ट्विटर पे जाके ट्रेंड पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वालदैन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं मेरे ख्याल से। जब पहले पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती थी जिनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा करते थे, उसमें या तो आप गेमिंग खिला लिया करते थे, हॉकी होता था, क्रिकेट होता था, वॉलीबॉल होता था, इस तरह की गेमिंग होते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिससे आपके स्किल्स को निखारा जाता था। मुझे नहीं समझ आ रहा ये डांस करने से या ये बेहूदगी फैलाने से आपके कौन से स्किल्स हैं जिसको निखारने की कोशिश की जा रही है और सही लान तान हो रही है। आप देखें जो कपड़ों की मैं बार बार निशानदेही कर रहा हूँ या जो एक्टिविटीज़ की निशानदेही कर रहा हूँ, ये पिक्चर्स आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये किसी भी तौर पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ की अकासी करती नहीं है। बज़ाहिर तो देखने में ऐसा भी लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं भी नहीं, लेकिन हकीकी तौर पर ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इससे ज़्यादा ओपन माहौल अब हो चुका है, अब वो किसकी वजह से हुआ है, किसकी तरफ से हो रहा है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये चंद लोग हैं और जाहिर सी बात है जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं तो इनकी पिक्चर्स भी बनती हैं और इनकी वीडियोज़ भी बनती हैं, और जब वो पिक्चर्स और वीडियोज़ वायरल होती हैं तो ओवरऑल सबको कहा जा रहा होता है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात की, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, कई स्टूडेंट्स हैं जो कि लाहौर में हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो कराची में हैं, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया यार जो यूनिवर्सिटी और फहाशी का अड्डा चल रहा है, ये क्या मामला हो गया, ऐसा ट्रेंड क्यों चल रहा है। तो उन सबका मौकफ ये था कि चंद फीसद, और वो मैं आपको बताऊँ सिंगल डिजिट के फिगर, 1 से 10 के दरमियान आप चलें, 9% लोग कह लें, 9% लोग हैं जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर उनकी वीडियोज़ बनाई जाती हैं, उनकी पिक्चर्स बनाई जाती हैं और उनको एक मुहिम के तहत वायरल किया जा रहा होता है और इम्पोज कराने की कोशिश की जा रही थी कि ये हमारा कल्चर है, हालांकि ये हमारा कल्चर नहीं है। औरत मार्च जब होता है तो आप सोचें चंद फीसद लोग वहाँ पर होता है, जिन पर वाकई में तशद्दुद होता है वहाँ पर मौजूद नहीं होते। इस तरीके से जो ये हरकतें कर रहे हैं या जिनकी ये पिक्चर सामने आ रही है, ये सिर्फ आटे में नमक के बराबर लोग हैं। आपको वाकया याद है जहाँ पर एक लड़की ने प्रपोज़ किया था लड़के को, गालिबा अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि लड़की ने नीस पर बैठ के प्रपोज़ किया था और उसके बाद वो उन्होंने एक दूसरे को हक किया था। आपको लगता है कि ये हमारा माशरा है? मेरा सवाल ये है, हमारा माशरा हरगिज़ नहीं है, और वाकई में उसके खिलाफ सख्त एक्शन हुआ था मैनेजमेंट की जानिब से, लेकिन उसको प्रमोट किया गया, उसको सामने लाया गया। अब जो ये चीज़ें नहीं भी करता होगा उसके जहन में भी आएगा कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, और इसी तरह की कोशिश करने की ये एक साजिश की जा रही है कि इसको आस्ते आस्ते इस तरफ लेकर आया जाए और इसको हर यूनिवर्सिटी तक फैलाया जाए। अभी ये लाहौर की एक यूनिवर्सिटी की तस्वीर सामने आई है, कराची की कुछ यूनिवर्सिटीज की तस्वीरें सामने आई होंगी, इस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा होता है कि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का कल्चर ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यूनिवर्सिटी जो कि दर्सगाह है जहां पर आप तालीम हासिल करते हैं और वाकई में कुछ बन के निकलते हैं, माशरे में प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले आपको यूनिवर्सिटी से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं जा पाते यूनिवर्सिटी, लेकिन वो आपको जीने का ढंग सिखाते हैं, आगे बढ़ने का ढंग सिखाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डांस करने से आप रकासा तो बन सकती हैं लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकती, तो ये यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ने का ढंग नहीं है। इसको ये ना समझें कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि यार यूनिवर्सिटी में अब ये हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ जगह है जहां पर जरूर हो रहा है और उसके पिक्चर्स भी आपने देख ली। तो जनाब वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ हकायक जो इसके पीछे छुपे हुए थे उनको सामने लाया जाए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।